हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप पहले की तरह अच्छे ही होंगे। ओके, एक बार फिर से हम बात करेंगे वाइनक्स एमुलेटर की। जी हाँ गाइस, वाइनक्स एमुलेटर वेक्टर्स वीएम का एक न्यू एमुलेटर है जो कि डेवलप हो रहा है। गाइस, ये एमुलेटर लो एंड डिवाइस के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रहने वाला है, क्योंकि लो एंड डिवाइस में डेवलपर ने यहाँ पर गेम टेस्ट किया है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ पूरा। गाइस वीडियो देखना है, वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना, ठीक है। ओके गाइस, तो डेवलपर ने यहाँ पर कुछ न्यू स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं जो कि यहाँ पर थीम्स वगैरह देख सकते हो। एंड लाइक विन लेटर एमुलेटर की तरह पूरा का पूरा ये एमुलेटर लग रहा है। सेटिंग वगैरह भी आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, तो विन लेटर एमुलेटर की तरह ये एमुलेटर रहने वाला है। सेटिंग वगैरह सब कुछ उसी की तरह रहने वाला है एंड ये ऐप रहने वाला है, टर्मबॉक्स में नहीं चलने वाला है, ठीक है गाइस। ओके गाइस, तो यहाँ पर डेवलपर ने एक गेम टेस्ट किया है GTA 3 को। तो GTA 3 को एक टैब में चलाया है जो कि यहाँ पर 22 FPS पर चल रहा है, हाई रेजोल्यूशन के ऊपर यहाँ पर गेम रन करके दिखाया है। एंड स्नैपड्रैगन 652 में यहाँ पर चला करके दिखाया है और हाई एंड रेजोल्यूशन के ऊपर चलाया है 1080p में, ठीक है, जो कि बहुत ही हाई रेजोल्यूशन है। एंड लो एंड टैब में चलाया है, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि लो एंड डिवाइस में ये एमुलेटर बहुत ही बढ़िया वर्क करने वाला है। और विन लेटर से कंपेयर करें तो ये मुझे लगता है कि विन लेटर से काफ़ी ज़्यादा फास्ट ये एमुलेटर रहने वाला है, क्योंकि लो एंड डिवाइस में काफ़ी अच्छे खासे FPS इस वाले एमुलेटर में हमको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो देखते हैं ये एमुलेटर कब तक आता है। तो मैंने आपको बताया था कि इस महीने के 10 या 20 दिन में शायद आपको देखने को मिल सकता है। अगर इस मंथ में नहीं देखने को मिलेगा तो आपको नेक्स्ट मंथ में ये फाइनली देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी इंफॉर्मेशन गाइस पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे की न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।